हेलो गाइस, क्या हाल चाल बड़े सब। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस आज हम करने वाले हैं अपनी सुपर कार का पे वॉल सस्पेंशन टेस्ट। और बाकी यार गाइस अभी कुछ लोग मेरे को कमेंट करके बोलने वाले हैं कि अनमोल भाई आपने आज फेस कैम क्यों नहीं करा। तो गाइस फेस कैम ना करने का एक सिंपल से रीजन ये है कि यार मेरा जो वेब कैम है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। और लिटरली यार उसको फिक्स करते करते भाई सुबह के यहाँ पे 5 बज चुके हैं, पर वो जो अपना फेस कैम है वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बिना फेस कैम के ही वीडियो बना दी जाए। तो गाइस सिंपली आज अपनी जो सुपर कार है उसको यहाँ पे भाई साहब है अपना वॉल सस्पेंशन पार करना है। और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वॉल लगा रखी है, तो सिंपली अपनी कार को इस रैंप के थ्रू होते हुए मतलब इसके ऊपर से गुजर के जाना है इस फिनिश पॉइंट तक। तो देखते हैं यार जो अपनी कौन कौन सी कार रहने वाली है सुपर कार वो इस सस्पेंशन टेस्ट में यहाँ पे पास होने वाली है। और बाकी गाइस आप सभी को तो पता ही है कि अपने पास में आज कितनी ही ज़्यादा खतरनाक सुपर कार है। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो अपनी सबसे पहली कार है वह अपनी BMW की i8। तो देखते हैं यार जो अपनी BMW i8 है इसका यहाँ पे भाई सब सस्पेंशन टेस्ट कैसा रहने वाला है। हालांकि आप सभी को मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी सुपर कार है ना उनका भाई ग्राउंड गिर्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हो सकता है यार ये वाली गाड़ियाँ भाई दिक्कत दे जाएँ। तो लेट्स ही देखते हैं अपनी गाड़ियों का यहाँ पर सस्पेंशन टेस्ट कैसा रहने वाला है। और फिलहाल तो अपनी BMW i8 चल पड़ी है गाइस, और आप देख सकते हो इसका सस्पेंशन कैसा हो रहा है ओ भाई साहब। और गाइस फाइनली अपने BMW i8 ने देखते ही जो चैलेंज है उसको कंप्लीट कर लिया। और लिटरली इसका सस्पेंशन आप लोगों ने देखा था भाई कितना ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा था, पर अपनी जो कार है ना उसने काफ़ी ही प्यारे तरीके से जो है इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अभी बारी यार सबसे ज़्यादा महंगी कार की जो कि है भाई अपनी रॉल्स रॉयस। तो देखते हैं यार जो अपनी रॉल्स रॉयस है इसका यहाँ पर सस्पेंशन कैसा रहने वाला है। हालांकि आप सभी को पता ही है कि इस वाली गाड़ी के अगर अंदर आप लोग बैठते हो ना तो भाई आपको जो भाई सस्पेंशन मतलब जो झटोके होते हैं ना वो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले, क्योंकि इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाया गया है। तो लेट्स ही देखते हैं जो अपनी ये वाली कार है इसका यहाँ पर सस्पेंशन कैसा रहने वाला है। और गाइस ओहो, और आप लोग देख सकते हो लिटरली अपनी कार ओ भाई सब कितने ही प्यारे तरीके से चैलेंज करते हुए जा रही है। पर जैसा कि गाइस मतलब एक मैंने वीडियो देखी थी रियल लाइफ में, मतलब वैसा तो हमें यहाँ पर सीन देखने को नहीं मिला इसके सस्पेंशन में, पर हाँ ये बात तो है कि भाई इसका सस्पेंशन बाकी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देखा जाए तो बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में मेरे को लग रहा है इस वाली गाड़ी के अंदर अगर बैठ के जाओगे ना तो भाई झटोके आप बहुत ही ज़्यादा कम लगने वाले हैं, मतलब जिस हिसाब से इसका जो सस्पेंशन ने वर्क करा है भाई गेम के अंदर। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है अपनी बुगाटी वेरॉन। अब देखते हैं यार जो अपनी बुगाटी वेरॉन है इसका यहाँ पे सस्पेंशन कैसा रहने वाला है। तो लेट्स सी। और बाकी इसके टायर मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं यार जरूरत से, तो देखते हैं कैसा रहता है इसका सस्पेंशन। और गाइस अपनी ओहो भाई साहब गाइस यार मतलब भाई साहब मैं आगे देख ही नहीं रहता, और इसके सस्पेंशन को देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी पूरी ट्रैक से ही नीचे उतर गई। तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, और वो मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने यार थोड़ा ना ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दिया था। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है इस बार। और आप लोग देख सकते हो ओहो गाइस अपनी बुगाटी भाई साहब कितने ही प्यारे तरीके से और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पीड से भाई इसने जो है पूरा का पूरा जो वॉल की जो बनी हुई है ना सस्पेंशन टेस्ट वो यहाँ पे पार कर लिया है काफ़ी इजीली। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वह अपनी मर्सिडीज बेंज की AMG। तो देखते हैं यार जो अपनी मर्सिडीज बेंज की कार है वो यहाँ पर भाई सस्पेंशन के मामले में कैसी रहने वाली है। तो लेट्स सी और देखते हैं क्या होता है। ओके, और इस वाली गाड़ी में तो भाई साहब अगर अंदर कोई बैठा होगा ना तो भाई उसका बम्प बिल्कुल लाल होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी की ना भाई बम्पिंग मार रही थी, मतलब झटोके बहुत ज़्यादा ही इसमें मेरे को लग रहे थे। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये चीज़ देख के फील हुआ कि नहीं, कि अगर रियल लाइफ में अगर कोई इसके अंदर बैठा होता तो भाई उसका जो पिछवाड़ा है ना पूरी तरीके से लाल होने वाला था, क्योंकि ये वाली गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बम्पिंग खा रही थी। मेरे को नहीं पता यार इसका सस्पेंशन मतलब रियल लाइफ में कैसा है कैसा नहीं है, फिलहाल तो गेम के अंदर जो कुछ था आप लोगों ने देख ही लिया। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वो अपनी ऑडी R8। अब देखते हैं यार अपनी ऑडी का यहाँ पे सस्पेंशन कैसा रहता है। तो लेट्स सी। और भाई साहब यहाँ पे चल पड़ी है, और गाइस वो भाई साहब इसमें तो चिंगारियाँ निकल रही हैं। वो गाइस इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से बहुत ही खराब मतलब बनाया गया है गेम के अंदर, वो इसलिए क्योंकि यार आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाली गाड़ी थी ना भाई पूरी ज़मीन में टच हो रही थी, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब यहाँ पे चिंगारियाँ निकल रही थी, तो इससे ये चीज़ तो साफ पता लग रही थी कि हाँ इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा घटिया बनाया गया है गेम के अंदर, मतलब रियल लाइफ से आप लोग बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करना गाइस, ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर बता रहा हूँ। तो गाइस अभी बारी यार अपनी फोर्ड की मस्टैंग GT की। अब देखते हैं इसका सस्पेंशन यहाँ पे कैसा रहता है। और बाकी इस वाली गाड़ी का अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो बाकी सुपर कार से आई थिंक से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो लेट्स सी देखते हैं इसका जो सस्पेंशन है वो कैसा वर्क करने वाला है इस टेस्ट में। और ओहो
गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी फोर्ड की मस्टैंग जीटी काफी ही प्यारे तरीके से जो है पूरा भाई अपना चैलेंज कंप्लीट कर चुकी है और सस्पेंशन टेस्ट में ये पास हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस जो अपनी अगली कार है वे अपनी लैम्बोर्गिनी, अब देखते हैं यार अपनी लैम्बोर्गिनी का यहाँ पे सस्पेंशन कैसा रहता है और बाकी इस वाली गाड़ी का ग्राउंड ग्रिल देख के ना बहुत ज्यादा ही कम लग रहा है। तो लेट्स ही देखते हैं इसका सस्पेंशन टेस्ट कैसा रहने वाला है। और फिलहाल तो अपनी कार यहाँ पे चल पड़ी है और आप लोग देख सकते हो और काफी स्लो स्पीड से जा रही है यार ये, ओ भाई साहब। तो गाइज फाइनली अपनी लैम्बोर्गिनी में जो अपना सस्पेंशन टेस्ट है उसको पास तो कर लिया है, पर हाँ इसको थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ इसमें अगर कोई बंदा बैठा था ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो झटोके थे वो फील होने वाले थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो लैम्बोर्गिनी थी वो काफ़ी ज़्यादा भाई जंपिंग हो रही थी, मतलब बम्पिंग खा रही थी वहाँ पे। तो गाइज जो अपनी अगली कार है वह अपनी मैक्लारेन की 720। अब देखते हैं यार अपनी मैक्लारेन की जो कार है उसका यहाँ पर सस्पेंशन कैसा रहने वाला है, तो लेट्स सी क्या होगा गाइस। और इसके व्हील बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं और आप देख सकते हो, ओहो गाइस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी मैक्लारेन तो फंस गई यार यहाँ पे। ओ नहीं गाइस मेरे को यकीन नहीं हो रहा है भाई अपनी मैक्लारेन भाई, ओ गाइस तो इसका मतलब ये चीज़ तो एक चीज़ मतलब यहाँ पे क्लियर हो गई है कि यार जो अपनी मैक्लारेन है ना इसका भाई सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब गेम के अंदर ठीक है, रियल लाइफ से बिल्कुल भी भाई कोई कंपेयर नहीं करेगा यहाँ पे। और आप देख सकते हो यार जो अपनी मैक्लारेन है बुरी तरह आके यहाँ पे फंस चुकी है, मतलब इसके आई थिंक से जो व्हील है ना काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि जो अपनी कार है वो यहाँ पे फंस चुकी है। तो अब इसको साइड में खड़ी करते हो और बढ़ते हैं यार अपनी अगली कार की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली कार है वो है अपनी फरारी पिस्टा। अब देखते हैं यार अपनी जो फरारी पिस्टा है इसका यहाँ पे सस्पेंशन कैसा रहने वाला है। फिलहाल तो मैक्लारेन ने बुरी तरह से यहाँ पे हक दिया था, अब देखते हैं अपनी फरारी का कैसा रहता है और इसके भी व्हील काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो लेट्स सी। और गाइस अपनी फरारी यहाँ पे चल पड़ी है और देखते हैं कि पूरा पार कर पाएगी या नहीं। और गाइस आप लोग देख सकते हो जो अपनी फरारी है भाई इसने पूरा सस्पेंशन टेस्ट यहाँ पे पार कर दिया है और काफ़ी ही ईजिली, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। वरना यार अपनी मैक्लारेन का तो मेरे को सीन ही समझ भी नहीं आया भाई, वो बीच में फंस क्यों गई यार। आई थिंक से मेरे को लग रहा था उसका जो सस्पेंशन है वो अच्छे से मतलब वर्क नहीं करा, कुछ उसमें टेक्निकली इशू आ गया होगा, इसीलिए मतलब जो अपनी कार है वो यहाँ पे इस चैलेंज को नहीं कर पाई है। तो गाइस इस चैलेंज की सबसे ज़्यादा मतलब जो एडवांटेज उठाने वाली कार है वो है भाई अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस। और आप सभी को पता ही है कि ये वाली कार भाई एक SUV कार है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बाकी गाड़ी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। तो लेट्स ही देखते हैं ये वाली कार भाई अपना सस्पेंशन टेस्ट कैसे पास करने वाली है, तो लेट्स गो गाइस देखते हैं। और आप लोग देख सकते हो भाई अपनी लैम्बोर्गिनी बहुत ही आराम से यहाँ पे चलते हुए जा रही है, पर आप लोग इसका सस्पेंशन देखो यार, मतलब सस्पेंशन देख के ना गाइस मेरे को सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई सा फील होता है, मतलब जिस तरीके से वो मतलब जो अपनी गाड़ी के टायर है ना वो अप डाउन होते हैं ना, वो चीज़ देख के मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आप लोगों को वो चीज़ देख के यहाँ पे मज़ा आता है या नहीं आता है। गाइस अभी बारी यार अपनी लैम्बोर्गिनी की, और इस वाली गाड़ी का मेरे को इंट्रोड्यूस कराने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ये वाली जो कार है वो भाई किसकी फेवरेट है और कौन सी कार है। तो लेट्स सी गाइस देखते हैं यार ये वाली जो कार है अपना सस्पेंशन टेस्ट कैसे पास करने वाली है। और बाकी यार गाइस जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आप लोगों को बस एक सेकंड लगने वाला लाइक करने में, तो फटाफट से जाओ लाइक करो। एंड जो लोग चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर में ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। तो लेट्स गो गाइस देखते हैं जो अपनी लैम्बोर्गिनी है भाई वो यहाँ पर सस्पेंशन टेस्ट कैसा करने वाली है। और वो भाई साहब शुरुआत काफ़ी स्लो हो रही है अपनी लैम्बोर्गिनी के यहाँ पे, लेट्स सी के पूरा पार कर पाएगी या नहीं। और गाइस भाई साहब ये लैम्बोर्गिनी मतलब ये चैलेंज कैसे नहीं कर पाती, क्योंकि गाइस आप सभी को पता ही है यार ये जो कार है भाई किसकी खतरनाक कार है, मतलब किस भाई की जो है अपने फेवरेट कार है, और वो मेरे को बताने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मतलब उन भाई की कार है तो ऑब्वियस सी बात है यार ख़तरनाक तो होनी चाहिए, क्योंकि वो भाई जब खतरनाक है तो उनकी गाड़ी भी यहाँ पे ख़तरनाक ही है। तो फिलहाल तो अभी बढ़ते हैं यार अपनी लास्ट कार की तरफ। तो गाइस अपनी जो लास्ट की कार बची है वो है अपनी बुगाटी डीवो। अब देखते हैं यार जो अपनी बुगाटी डीवो है इसका यहाँ पे जो है भाई सस्पेंशन कैसा रहने वाला है, तो लेट्स सी। और इसके व्हील बाकी गाड़ी को कंपैरिजन में देखा जाए तो भाई काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो लेट्स गो देखते हैं इसका सस्पेंशन कैसा रहता है। और गाइस आप लोग देख सकते हो, ओहो भाई साहब मेरे को तो लग रहा है इसके टायर ही ना निकल जाए कहीं, मतलब जिस तरीके से गाड़ी चल के आई है ना गाइस मेरे को एक बारी को ऐसा लगा था कि इसके कहीं टायर ही ना निकल जाए, क्योंकि जो टायर थे ना पूरे भाई इधर उधर ही निकल रहे थे, मेरे को लग रहा था कि कहीं निकल ही ना जाए, पर वैसा कुछ सीन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अपने इस वाले चैनल में सारी जो गाड़ी है ना
उन्होंने मतलब जो है अपना भाई चैलेंज कंप्लीट कर लिया, मतलब सस्पेंशन टेस्ट में पास ही हो गई है बस एक गाड़ी को छोड़ के, जो कि थी अपनी मैक्लारेन की 720। तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, मतलब इस वाली गाड़ी के साथ में थोड़ी सी यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है, क्यों ना इसको भी एक बार दोबारा से मतलब मौका दे के देखते हैं कि अपना जो सस्पेंशन टेस्ट है उसको पार कर पाती है नहीं। फिलहाल पहली बारी में तो भाई ये वाली जो कार है वो यहाँ पे इस चैलेंज को हार ही चुकी है लगभग, तो देख लेते हैं यार एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, वरना इस वाली गाड़ी के साथ में गलत ही सीन हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो जो अपनी कार है वो यहाँ पे चल पड़ी है और भाई पूरी डिसबैलेंस हो रही है। ओके तो गाइस सेकंड टाइम में जो अपनी मैक्लारेन 720 है इसने फाइनली ये सस्पेंशन टेस्ट पार तो कर लिया, पर हाँ उस मतलब उस स्मूथनेस के साथ में नहीं करा है जैसे कि बाकी गाड़ियों ने यहाँ पे करा था। ये वाली गाड़ी अभी भी सेकंड अटैम्प में भाई बीच में पूरी की पूरी डिसबैलेंस ही हो गई थी, पर तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे करके यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। और बाकी यार गाइस आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ यार गाइस ये वाली वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मैं मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।